Hey guys, मैं चार्ली here and welcome back to Rule Breaker. तो दोस्तों, हम आजकल के दिनों में हर किसी के पास जो है चार्जर्स के ढेर, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम लोगों के पास होता है, मोबाइल हो गया और भी बहुत कुछ हो गया, तो उन सबका चार्जर, पावर केबल, टीवी का केबल, मॉनिटर का केबल, सीपीयू का केबल, बहुत सारा केबल जो है हो जाता है और उसको लगाने के लिए ज़्यादा मतलब प्लग व्लाग बहुत कुछ हो जाता है. अपने डेस्क अगर आप सेटअप करने जाए तो वो जो है बहुत मेसी हो जाता है, मतलब केबल मैनेजमेंट बोलिए या फिर दूसरा चीज़ बोल दीजिए. और एक बोर्ड में इतना सारा पोर्ट या सॉकेट होता भी नहीं कि आप सबको एक साथ कर सकें. तो आज एक बहुत ही खास चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिससे जो है आपका केबल मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा, साथ ही साथ आप हर एक चीज़ को मतलब ईजिली एक्सेस कर पाएंगे और आपका डेस्क जो है मेसी नहीं रहेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा. तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन के नीचे जो लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उसको क्लिक कर दीजिए, ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. चलिए, आप जो ये कर दिए हैं तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में. ज़्यादा देर ना करके आइए शुरू करते हैं. में हमारे पास चार्जर्स और पावर प्लग इतना ज़्यादा हो गया कि एक बोर्ड में सबको इंसर्ट करा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बहुत मतलब एक जगह पर रहकर आप सारे केबल्स को मैनेज नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, हम लोगों के पास जो इसका सॉल्यूशन अभी आ चुका है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो है पावर क्यूब. ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पावर क्यूब ओरिजिनल. इससे आप जो है इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले आपके सामने आएगा एक यूज़र मैनुअल. जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़र मैनुअल जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैंने स्कैन करके यहाँ पे दे दिया, तो आप पढ़ भी सकते हैं आप इसको कैसे यूज़ करेंगे वो सब लिखा है. और नीचे आपको जो है वारंटी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इस चीज़ में कितना वारंटी है, कितने दिन का है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा. दोस्तों, ये जो है पॉलीकार्बोनेट और ABS के पॉलीमर्स के मिक्सचर से ये बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है ये और नॉर्मल डेली लाइफ यूज़ में इसको आप अनब्रेकेबली कह सकते हैं. हम लोग अभी आ गए हैं हमारे घर के पीछे की तरफ, जहाँ पे हम लोगों का मतलब मेरा बाइक वगैरह सब खड़े रहता है और दूसरा सब सामान होता है. तो हम करेंगे यहाँ पे इसकी क्वालिटी टेस्ट. जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे दो बाइक खड़ा हुआ है और बाइक का हाइट मतलब बैक सीट का हाइट लगभग आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना होगा. ये जो बाइक में अभी रखा है YMAH FZ है, तो हाइट आपको शायद पता है. और यहाँ से आपको मैं ये गिरा के दिखाऊंगा और देखते हैं ये टूटता है या नहीं टूटता है. तो सबसे पहले इसको यहाँ से गिरा देते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको गिरा दिया, फिलहाल कोई डैमेज नहीं नज़र आ रहा. और यहाँ से ऊपर से एक बार और गिराते हैं, 5 फीट लगभग हाइट होगा. और मेरा हाइट दोस्तों 6 फीट है, 6 फीट मेरा हाइट है. तो एक बार मेरे हाइट के भी ऊपर से इसको गिरा के देखते हैं. तो थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, हाँ अभी इसको गिराते हैं. तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी मेजर डिफेक्ट यहाँ पे नहीं आया, कोई स्क्रैच व्रैच तो कुछ भी नहीं आया. ये तो लगभग अनब्रेकेबली हुआ डेली यूज़ में. और इसमें आपको पांचों तरफ जो है 3-पिन सॉकेट मिल जाता है और एक टाइप मतलब एक साइड पे आपको 3-पिन प्लग मिल जाता है, जो कि आप अपने बोर्ड पे या फिर किसी और चीज़ पे इंसर्ट करा सकते हैं और पांचों साइड से 5 अलग अलग प्लग को निकाल सकते हैं. यहाँ पे आपको यह ब्रांडिंग मिल जाता है पावर क्यूब ओरिजिनल, और साइड में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है. तो दोस्तों, ये शॉक प्रूफ है, मतलब अगर आप इसको मतलब ऑनलाइन भी टच करें तो आपको शॉक नहीं लगेगा. ये इसी तरह से बना हुआ है और ये सर्किट भी जो है काफ़ी अच्छा है. और दोस्तों, दूसरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि है पावर क्यूब USB, जहाँ पे आपको USB पोर्ट भी मिलता है. तो सबसे पहले तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तीनों टाइप में तीनों साइड में आपको एक टिप टाइप का मिलेगा, उसको आपको हटाना है और फिर इसको हल्के से मतलब जेंटली ऊपर खींचना है और ये जो है ओपन हो जाएगा. काफ़ी यूनिक टाइप का बॉक्स है, पहले देखा नहीं तो मैंने इतना सारा कुछ. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप का बॉक्स, तो ये टूट गया, छोड़ते हैं इसको निकालते हैं. बहुत हार्ड पैकेजिंग है इसका, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट सेफली रहेगा. हाँ, तो ये जो है ओपन हो चुका है लगभग आधा, और इस साइड को भी हम ओपन कर लेते हैं. तो ओपन करने के बाद सेम वैसा ही आपको एक पावर क्यूब टाइप का दिखने को मिलेगा. तो इसको सबसे पहले जो है यूज़र मैनुअल ओपन कर लेते हैं. इसका यूज़र मैनुअल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये USB वाला है और वो जो है सॉकेट वाला था. तो इसको निकाल लेते हैं, यूज़र मैनुअल है यहाँ पे, इसको साइड में रखते हैं. सेम यूज़र मैनुअल होगा शायद, हाँ लगभग सेम ही है यूज़र मैनुअल साइड, इसको साइड में रखते हैं और हमारा जो है ओरिजिनल पावर क्यूब USB उसको निकाल लेते हैं. तो दोस्तों, आप लोगों को बोल दूं कि पावर क्यूब हर एक कलर में जो है अवेलेबल है, 7 कलर में अवेलेबल है लगभग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम यहाँ पे 3-पिन प्लग और 3-पिन सॉकेट्स वगैरह हैं. और यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिल जाता है जो कि 2 एम्पियर का है,
आपके स्मार्टफोन को काफी इजीली ये चार्ज कर सकता है, अपने स्मार्टफोन को या फिर पावर बैंक को या फिर दूसरा जो स्मार्ट वॉच या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि यूएसबी से चार्ज होता है, तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं या फिर आप यूएसबी लाइट और फैन भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका कोई एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए, मतलब आपको क्यूब अपने बोर्ड से काफ़ी दूर चाहते हैं, आप अपने मतलब बेड पे या फिर आप अपने डेस्क पे चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पावर क्यूब एक्सटेंडेड लेना होगा। वही भी काफ़ी अच्छा है, सेम जैसा पावर क्यूब ओरिजिनल था, जैसे सबसे पहले वाला प्रोडक्ट हमने दिखाया वैसा ही है, लेकिन ये एक्सटेंडेड है। यहाँ पे बहुत सारा लंबा एक आपको केबल मिल जाता है और इसमें भी वो पाँचों तरह मतलब पाँचों साइड में आपको जो है सॉकेट मिल जाएगा और एक टाइप के प्लग। यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल आपके सामने है, आप अभी देख सकते हैं, क्या इसको साइड में रखते हैं। और ये हमारा है पावर क्यूब एक्सटेंडेड जो कि है रेड कलर में, केबल के देख सकते हैं आप काफ़ी मोटा केबल है, तो काफ़ी अच्छा होगा शायद ये, और केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है देख के लग रहा है। और ये भी मतलब डिज़ाइन भी सेम ही है हर एक के तरह। और यहाँ पे आपको जो है एक माउंट मिल जाता है, इसके मदद से आप जो अपने पावर क्यूब को किसी भी जगह पे माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे तो दो जो है 3M टेप मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक माउंट मिलेगा। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे पीछे आप टेप को चिपकाना है और यहाँ पे माउंट को आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं और इसको धीरे से रोटेट कीजिएगा तो ये जो है फिक्स हो जाएगा। इस तरह से आप अपने पावर क्यूब को किसी जगह पे माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका और एक वर्जन भी आता है, जैसे यहाँ पे हो गया पावर क्यूब मतलब ओरिजिनल पावर क्यूब यूएसबी और पावर क्यूब का एक्सटेंडेड वर्जन, तीन हो गया। एक और वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि पावर क्यूब एक्सटेंडेड यूएसबी वाला, मतलब पावर क्यूब यूएसबी जो है उसका एक्सटेंडेड वर्जन। तो ऐसा कुछ इसका बॉक्स है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बॉक्स में ये आता है, तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, बॉक्स थोड़ा लंबा है लेकिन ओपन करने का प्रोसेस सेम ही है। और पैकेजिंग तो सच बोलूँ तो काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग किया है इन लोगों ने, लेकिन खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, यही प्रॉब्लम है, टूट जाता है। कोई बात नहीं, अपना प्रोडक्ट तो अच्छा रहेगा ना, तो इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का मतलब प्रोडक्ट खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये एलोकैकोक ब्रांड से आता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक ब्रांड है, इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन बाहर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है ये। तो दोस्तों इसको ओपन करने से पहले मतलब आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा और बाकी जो है पावर क्यूब एक्सटेंडेड वाला ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी केबल का लेंथ जो है आपको सेम ही मिल जाता है जैसा कि पावर क्यूब एक्सटेंडेड में था, और यहाँ पे ये कुछ माउंट के लिए है शायद कहीं पे, अगर आप माउंट करना चाहें। और यहाँ पे ये ग्रे कलर में आता है, चारों साइड में आपको जो है मिल जाएगा 3 पिन का सॉकेट और एक साइड में आपको मिलेगा 12 USB जो कि 2 एम्पियर का है, तो ये आप मतलब इजीली अपने स्मार्टफोन को और दूसरे साइड डिवाइस को चार्ज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की, तो काफ़ी टफ एंड रफ मटेरियल से ये बना हुआ है, और काफ़ी ऊंचाई से भी अगर ये गिरे फिर भी ये टूटेगा नहीं, काफ़ी हार्ड मटेरियल है। आप इसको मतलब यूज़ करके मतलब हाथ में लेके ये इसको समझ जाएंगे। और दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है ये रेड डॉट अवार्ड विनर है 2014 में, मतलब रेड डॉट अवार्ड मतलब इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ऑस्कर कहा जाता है, तो रेड डॉट अवार्ड ये विन कर चुके हैं 2014 में। और दोस्तों इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है इसमें आपको 3 मीटर का एक्सटेंशन कॉर्ड मिलता है, और कॉर्ड का मतलब जो केबल का है, केबल का लेंथ 3 मीटर है, और एक काफ़ी मजबूत है और ड्यूरेबल है, देख के ही लगता है। और आप इसको काट के भी देखें, कुछ इमेजेस मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसको, इसके अंदर क्या क्या है सब कुछ तो आप समझ ही सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन है, मतलब अगर कोई बच्चा इसको हाथ में दे, बच्चा क्या आप भी इसको अगर हाथ में दें ऑनलाइन ड्यूरिंग मतलब इसमें अगर करंट हो फिर भी, तो आपको जो है कोई भी शॉक नहीं लगेगा, ये ऐसे ही बना हुआ है। और दोस्तों इस डिवाइस को जो है एक्सीडेंट मतलब प्रिवेंटेशन मोड भी है, मतलब अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल का कुछ चीज़ हो जाता है, फिर भी ये चीज़ जो है ख़राब नहीं होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया फिर अगर ख़राब मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन में अगर ये पड़ गया, फिर भी आपके मतलब घर के बाकी सारे डिवाइस को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कुछ होगा इसके अंदर होगा, बाकी कुछ चीज़ में कोई भी हार्म नहीं आएगा। और दोस्तों इसका जो है आपको 2 ईयर्स का रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाता है, मतलब 2 ईयर में के अंदर 2 साल के अंदर अगर इस चीज़ में कुछ खराबी होता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको एक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। और दोस्तों ये हीट रेसिस्टेंट ABS से बना हुआ है, साथ ही साथ ये फायर प्रूफ भी है, और 100% कॉपर के वायर के साथ ये जो बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी मतलब झेल सकता है, वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर कुछ और हो जाए फिर भी ये झेल लेगा, मतलब इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा।
और दोस्तों इसका जो है मल्टी पॉइंट एक्सटेंशन प्लग जो है, चारों तरफ आपको जो प्लग मिल जाता है वो वाटरप्रूफ भी है काफ़ी हद तक। मतलब इसके अगर वाटर के मतलब पानी के छींके में पड़ जाए या फिर कोई दूसरा चीज़ पानी गिर जाए तो भी ये काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है, मतलब इसको आप पानी के अंदर नहीं चला सकते, लेकिन इसके मतलब ऊपर अगर पानी के कुछ छींटे या फिर पानी गिर जाए तो भी ये काम करेगा ठीक तरह से। जैसे कि आप नॉर्मल दूसरे सारे बोर्ड में देखते होंगे कि बोर्ड के ऊपर अगर पानी वानी गिर जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उस चीज़ का मतलब डर इस यहाँ पे आपको नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको USB पोर्ट मिल जाता है पावर क्यूब USB में और पावर क्यूब एक्सटेंडेड USB में, वो 2.1 एम्पियर का है और 5 वोल्ट का है। मतलब ये काफ़ी जल्दी से आपके स्मार्टफोन या फिर दूसरे डिवाइसों को चार्ज कर सकता है। और साथ ही साथ इसके अगर 5 प्लग है और 2 मतलब USB पावर क्यूब नॉर्मल पावर क्यूब में 5 प्लग है और पावर क्यूब USB में जो है 4 प्लग है और 2 USB पोर्ट है, आप सबको एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई एक को यूज़ कर रहे हैं तो बाकी सारा बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको आप एक ही साथ जो है यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है ये। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट पावर क्यूब ओरिजिनल, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हार्ड मतलब मटेरियल से ये बना हुआ है, प्लास्टिक ही लग रहा है। और ये हमारा हो गया पावर क्यूब जो है USB वाला, दोनों को करके देखते हैं। और ये जो है आप एक पावर क्यूब के साथ और एक पावर क्यूब जो है ऐड कर सकते हैं, आप चाहे जितना आपकी मर्जी उतना पावर क्यूब ऐड कर सकते हैं और आपको मतलब जितना ज़्यादा सॉकेट की ज़रूरत होगा उतना आप बना सकते हैं खुद ही। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 3 बना लिया है। और ये वाला पावर क्यूब जो है पावर क्यूब एक्सटर्नल, इसको मैंने ऑनलाइन कर लिया, मतलब इसको हम करंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे हम अपना फ़ोन चार्ज करके देखते हैं कि ये फास्ट चार्जिंग को जो है सपोर्ट करता है कि नहीं। और यहाँ पे 2 एम्पीयर का चार्जर है, तो सबसे पहले इसको इंसर्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं लाइट जलेगा, हाँ जल गया, मतलब ये मेरा चार्ज होना शुरू हो गया। यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मतलब 100% चार्ज है, उसके साइड में जो है चार्जिंग का आइकॉन बना हुआ है, फास्ट चार्जिंग होने के साथ जो आइकॉन आता है वही वाला। तो दोस्तों यहाँ पे ये चारों जो है बहुत ही खास प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी अनबॉक्स किया है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना गुड नाइट लगा दिया, चार्जर लगा दिया, आप जो चाहे मन लगा सकते हैं एक के साथ एक पावर क्यूब जोड़ के, आपको बहुत सारा पिन मिल यहाँ पे मिल जाएगा, सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। तो दोस्तों खास बात यह है हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है पावर क्यूब का, 4 पावर क्यूब एक्सटेंडेड है, 4 पावर क्यूब जो है एक्सटेंडेड USB है, 4 पावर क्यूब ओरिजिनल है और 4 पावर क्यूब USB वाला है। तो इनमें से हर एक का प्रोडक्ट जो है मैंने अनबॉक्स कर दिया है, मतलब टोटल 16 पीस ऑफ प्रोडक्ट है मेरे पास और लगभग 4 प्रोडक्ट हर एक टाइप का, मतलब एक एक करके 4 प्रोडक्ट मैंने अनबॉक्स कर दिया है। और बाकी जो 12 प्रोडक्ट है वो एकदम अनटच्ड है, अनबॉक्स्ड है, सील पैक है। तो दोस्तों मैं करने वाला हूँ इन सब का गिव अवे, मतलब ये सब आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को सबको नहीं, मतलब जो लक्की होगा उनको मिल जाएगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो काम करना है, आपको स्क्रीन पे मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके सिर्फ मुझे फॉलो करना है। जी हाँ, और कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे फॉलो करना है। मेरे गिव अवे से रिलेटेड एक पोस्ट भी वहाँ पे होगा, आप चाहे तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, आप इस गिव अवे के बारे में आप अपना जो है राय शेयर कर सकते हैं कि कैसा लगा आपको प्रोडक्ट और क्यों चाहिए आपको प्रोडक्ट। लेकिन नहीं भी करें तो भी कोई मतलब लॉस नहीं है, मैं जो है विनर सिलेक्ट करूँगा अपने फॉलोअर्स में से, रैंडम फॉलोअर्स में से, मतलब किसी भी 12 रैंडम फॉलोअर को जो है ये सब प्रोडक्ट मिल जाएगा। और दोस्तों एक और बात, मैं सिर्फ इंडिया पे प्रोडक्ट शिप कर सकता हूँ, तो आउट ऑफ इंडिया के जो हैं सॉरी मैं उनके लिए ये वाला गिव अवे रन नहीं करा सकता। तो जो है आपको समझ में आ गया होगा गिव अवे का रूल, सिर्फ और सिर्फ मेरा स्क्रीन पे जो आईडी दिख रहा है वहाँ पे जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक से मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाके मुझे फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं करना। मैं अपने फॉलोअर्स में से किसी 12 रैंडम फॉलोअर्स को ये चीज़ जो है दे दूंगा और सेंड कर दूंगा। और बाकी का चार्ज जो है मैंने अभी अनबॉक्स किया है, वो नेक्स्ट और एक गिव अवे आने वाला है, बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है, वहाँ पे जो है इस चारों को मैं ऐड कर दूंगा। अभी ऐड नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि अनबॉक्स है, इसलिए और कुछ दिन यूज़ करते हैं इसको, देखते हैं कि काम कैसा करता है, इसलिए मैं इसको अभी गिव अवे नहीं करने वाला ये चार वाला। लेकिन 12 जो है 12 पीसेस का जो है वो आपको अभी मिल जाएगा। तो अभी आज से 10 दिन बाद मैं इंस्टाग्राम पे ही रिजल्ट जो है पोस्ट कर दूंगा, और हो सके तो यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो जो मतलब रिजल्ट मतलब विनर सिलेक्ट हुए हैं वो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, और क्या ऐसे ही देखते रहिए रूल ब्रेकर। जय हिंद।